नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत की घर तो वापसी हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसका एक इंजेक्शन लगाया है जो कि उसकी कभी कभी दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है या दस की, क्योंकि कभी कभार उसे सब कुछ जो कि याद आ जाता है कभी कभार को भूल भी जाता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बर्फी देवी और उसकी बेटी नीलम उर्फ लैला एक्सपोज होने जा रही है, क्योंकि मीत हुड्डा ने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर ही मैं मीत अलावत को सही सलामत इस घर तक पहुँचाऊँगी। सो दोस्तों वैसा ही होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से लगातार मीत अलावत अपनी चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दिमागी हालत अभी भी थोड़ा सा वो स्ट्रेच में है कि आखिरकार उनके साथ में ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसे टॉर्चर किया गया था मीत अलावत को, और मीत अलावत को टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि नीलम है, और नीलम को बढ़ावा देने वाली बर्फी देवी है, क्योंकि बर्फी देवी और नीलम दोनों का ही इस घर से हमेशा के लिए पत्ता कटेगा। वहीं बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि इस समय नीलम का जेल जाना निश्चित हो चुका है, क्योंकि जिस तरीका का क्राइम किया है कुछ समय के बाद में आप लोग देख पाएंगे कि इस चीज़ की छानबीन होने के बाद में पुलिस गिरफ्तार करेगी। साथ ही दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि मीत अलावत की मॉम जहां पर इल्जाम लगा रही थी मीत हुड्डा के ऊपर, अब मीत अलावत के फादर राजवर्धन बोलते हुए नजर आएंगे कि तुम तो मीत के ऊपर आरोप लगा रही थी हमारे बेटा बहू के ऊपर, लेकिन अब तो ये तुम्हारी खुद की बहू नीलम ही जो कि तुम्हारे बेटे को मार देना चाहती थी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कितना घटिया इल्जाम लगाया था इन लोगों ने मीत हुड्डा के ऊपर। वो तो शुक्र है कि मीत हुड्डा ने इनके हर चीज़ का रिएक्शन नहीं दिया, नहीं तो आज मीत अलावत इन लोगों के बीच में नहीं होता, क्योंकि मीत अलावत के साथ में नीलम ने बहुत गंदा किया है, और नीलम के इस गंदे की वजह से कहीं ना कहीं सभी को सुनना पड़ रहा है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।